मुझे इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन भोपाल से निर्देश मिले थे, क्योंकि आसपास भोपाल उज्जैन संभाग में बारिश के कारण जो गेहूँ इसमें नमी का प्रतिशत ज़्यादा आ रहा था, वो 5 दिन के दौरान ऐसी कुछ फीडबैक गए हैं कुछ जगह से। इस कारण से शासन से निर्देश आए थे कि आगामी 3-4 दिन के लिए उपार्जन की जो गतिविधि है उसको रोका जाए और दिनांक 1 अप्रैल से उपार्जन प्रारंभ किया जाए। तब तक 3-4 दिनों के लिए समय यह दिया गया था कि किसान जो है अपनी गीली फसल को सुखा लें, जिससे कि नमी का प्रतिशत कम हो जाए और उनको वाजिब उसका दाम मिल सके। और कहीं ना कहीं यदि FAQ फॉलो नहीं होता है, नमी ज़्यादा रहती है, तो ट्रॉली जो रिजेक्ट करके वापस भी जाती है, ऐसी घटनाएँ ना हो। इस संबंध में जो शासन के निर्देश है, उसी के अनुक्रम में हम लोगों के द्वारा उपार्जन का कार्य आज से बंद किया गया है, दिनांक 31 तक बंद रहेगा। इस संबंध में कई अन्य जो किसान संगठन थे, उनके प्रतिनिधि भी आए थे, उनके द्वारा यही बताया गया कि कई लोग जो पहले से इनके स्लॉट बुकिंग को प्रॉब्लम्स हो रही, उन लोगों के द्वारा निजी ट्रैक्टर के माध्यम से भी बुकिंग करके लाए गए हैं, तो ऐसी कुछ समस्याएं हुई। हालांकि मेरे द्वारा उनसे चर्चा की गई है कि उनकी जो बात है हम ऊपर जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको डिटेल अभी बताया है, शासन के निर्देश है, उसके ही पालन किया जा रहा है। नगर पालिका के अतिक्रमण दल की प्रशासनिक सर्जरी करने का निर्णय पिछली जनसुनवाई में हो गया था, आज 7 दिन हो गए, अतिक्रमण दल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जी हाँ, इस संबंध में नगर के ही कई निवासियों के द्वारा और जनप्रतिनिधिगण के द्वारा, हमारे कई पत्रकार साथियों द्वारा ये बताया गया था कि जो शहरी क्षेत्र है हमारे वार्डों में, आवारा मवेशी विशेषकर जो आवारा कुत्ते वगैरह हैं, इनका काफ़ी संख्या बढ़ गई है। इस संबंध में CMO साहब को निर्देश दिया है, टीम के माध्यम से उनको हटाए, परंतु कहीं ना कहीं कुछ व्यवहारिक इनकी जो कठिनाइयाँ हैं उस पर CMO साहब के द्वारा निराकरण ना किए जाने के कारण ऐसा कुछ विलंब हुआ है। उनको आज अंतिम चेतावनी दी गई है, यदि टीम कार्रवाई आज से प्रारंभ नहीं करती तो उन संबंधित टीम के जितने भी कर्मचारी उनको हटाया जाए, क्योंकि उनको तनख्वाह उसी चीज़ की दी जा रही है, उनको काम वही है उनका, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हटाया जाए, उनपे लापरवाही का केस दर्ज कराया जाए, उन पर इनको हटाया जाए। फिर स्पष्ट और कड़े निर्देश CMO साहब को दिए गए हैं, मुझे उम्मीद है आज से इनकी टीम काम करेगी, नहीं होगा तो फिर CMO की भी जवाबदारी देंगे। और जगह क्या हो रहा है पूछ लो यार, एक बार और जगह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं जिले में बात को समस्या निर्देश मिल रहा है उसका पालन कर रहे हैं। और गधे को एक साथ आप चलाएंगे तो नहीं, हम नहीं चला रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन का कोई सर्कुलर आया है भोपाल से, मध्य प्रदेश शासन के चाहते हैं किसान सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको देके चला जाए, वो वाली बात नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है देखो, हम आंदोलन कोई इशू नहीं बना रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, लेकिन किसानों का हक मिले उसको, मेरा गीला माल आप वापस कर दो, निवेदन करता हूँ मैं, और तकलीफ देखूंगा, लेकिन आप चलो मेरे साथ, आपके फूड इंस्पेक्टर कौन है, आपके जो सिस्टम है मशीन वगैरह ये लेके मेरे साथ चलो, आप हाथ डालोगे ऊपर ट्राली बनी ट्राली को हाथ चलेंगे गीले माल में, इतना तीन दिन का समय आपको पता है क्यों दिया है, कि कम से कम जिनका गीला रह गया है वो रिजेक्ट ना हो, सबका भला हो, सब सुखा ले, इसलिए समय दिया गया है। लेकिन अगर एक दो का बरियार का बाकी 10 आदमी का अगर गीला माल है तो 9 आदमी मारे जा रहे हैं बेचारे, भाड़े का ट्रैक्टर 2000 रुपए लेता है आदमी। देखिए वहाँ आप भाड़े का ट्रैक्टर लेके आए, उसमें 10 ट्रॉली में से कम से कम 5-6 गीली निकल जाए, उनको वापस कर दिया है, चाहे कि कम से कम अपन वो कर दे, मैं कर सकूंगा। देखिए ये सब चीजें हैं, देखो शासन स्तर पे निर्णय हो चुका है, इसमें हम अपने स्तर पे शामिल नहीं किया, शासन ने अच्छा निर्णय नहीं लिया है। नहीं तो देखो, हम पहले किसान बहुत परेशान हो गए, मैं एक निवेदन एक और करता हूँ, हमारे एरिया में भी पानी गिरा है, हवा चली है, गेहूँ धराशायी भी हुए, हम आए थे क्या, आपके पास ऐसा कोई नोट नहीं आया कि हमारा नुकसान हुआ? नहीं आया। आपके नुकसान किया जा रहा है हमारा, जब नुकसान नहीं हुआ हमारा, हुआ भी होगा ठीक है, नहीं हुआ उसके बाद भी कौन सा गीला माल, जहाँ सूखा माल है, मेरा ये कहना है फिर भी आप एक बार धूप अच्छी निकल रही है थोड़ा सुखवा ले उसको। अरे आदरणीय कह रहा हूँ, आप किसी को भेज दीजिए मेरे साथ। देखो ये बात आपने सही कही, हमारे पास में कोई आया नहीं था, आप भी नहीं आया हमारे, आया हूँ निवेदन लेके, मैं कह रहा हूँ वहाँ लोग खड़े हैं, या तो मेरे को मारेंगे या रोड जाम करके बैठ जाएंगे, मैं हाथ पाँव जोड़ के आया हूँ, मैंने 2 बार आपको लगाया, देखो मैं मालूम है आपका फोन आते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई बोल रहा था, कर रहा था, मैं तो आपको तभी लगा था, मतलब की जब मेरी जान आ जाती है, मतलब की आप आखिरी दाव अपने पे ही है, तो मैं फिर सीमा दान के खड़ा हो जाता हूँ, मार लो गोली, क्या करें आप। और किसान बहुत आक्रोशित है, क्यों कि उनका माल सूखा है, गीले वालों को आप रोको, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ कल मुहूर्त हुआ, बेट साहब मुहूर्त किया, मैंने उस दिन आपको तकलीफ लगा बता दिया, आप भी देख लो, आप वहाँ की 19 ट्रालियाँ धुली है मेरे सामने वाले, इतना बढ़िया सूखा माल है, मतलब कि वो अगर बाजार में आज पिछले रेट के हिसाब से देखा था 2500 से कम नहीं जाएगा, और जो जो रिटर्न गई ट्राली कल यहाँ से रिटर्न ट्राली गई है
वो जावरा बिक चुकी है यार 2300 में, बताओ कौन सा किला बनता है वो बने के अंदर से क्या बने के 2300 में सर। आप हमारे ऑनलाइन होती है पर ये मैसेज ऊपर तक पहुंचाओ ना साहब, ऐसे परेशान हो रहे हैं। इफेक्ट बताते हैं, साइड इफेक्ट क्या आएगा ये भी बताते हैं ये सलाहकार लोग। देखो हमारे लिए इस तरह कॉलेज से बढ़ के आते हैं ये सलाहकार लोग, जो आप हम कहाँ जाएंगे बताओ आप, हमने सरकार देखी भी नहीं और भोपाल नहीं अपने आप इतनी नहीं थी, हमने लिखा पढ़ने के नुकसान का भेजा भी नहीं है, ऐसे करके कोई नुकसान ऐसा हुआ भी नहीं था। पिछले साल भी आपने प्रभार दिया था मेरे को, ये ध्यान आपको, मैंने एक महीने तक मेरा घर छोड़ दिया था सर, अगर कहीं से शिकायत आई हो बोलो आप। नहीं आई थी कई नमी वाली ट्राली हमने वापस करी, आपको ध्यान हो तो आलोट में लफड़ा को गया शांति को गई थी, हम वहाँ गए आपके खातिर, वहाँ आपका आप यहाँ मीटिंग में थे तो हमने देखा मतलब वहाँ के आपके बड़े अधिकारी आए उनको भी हमने मतलब अटेंड किया, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होने दिया। स्थानीय स्तर का होता तो ये गुंजाइश ही नहीं है, हम कर देते, लेकिन क्या है ना दिक्कत यही आ रही है कि शासन स्तर का निर्देश है, पोर्टल वगैरह सब बंद हो चुके हैं, ये दिक्कत आ रही है। आप दोनों हाथ से हाथ मिला लो और पहुँचा दो, लेकिन माल तुलवा दो सूखा माल, मैं गीले की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर बात बताते हैं सर।